उत्तराखंड में एक बार फिर से लोकायुक्त को लेकर चर्चाएं शुरू हो गई हैं। हाईकोर्ट ने इस मामले में सरकार को फटकार लगाते हुए 8 हफ्तों में लोकायुक्त की नियुक्ति के निर्देश दिए हैं। हाईकोर्ट की इस टिप्पणी के बाद प्रदेश में लोकायुक्त को लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। मामले में जहां भाजपा भ्रष्टाचार पर जीरो टॉलरेंस की नीति की बात कह रही है, तो वहीं सीएम धामी ने लोकायुक्त की नियुक्ति को प्रवर समिति के पाले में डाल दिया है। देखिए, वो चूंकि एक नया एक्ट बनना था और नए एक्ट के बाद जो है उस पर विधानसभा की प्रवर समिति उस पर काम कर रही है। प्रवर समिति का अभी निर्णय नहीं आया है, प्रवर समिति का निर्णय आएगा तो उसके बाद ही जो है उस पर सरकार कार्रवाई करेगी। हम तो शुरू से जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, भ्रष्टाचार मुक्त उत्तराखंड की बात करते हैं। आने वाले समय में जैसे ही वो विधानसभा की समिति अपनी रिपोर्ट सौंप देगी तो निश्चित रूप से लोकायुक्त बनाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार इस राज्य में चल रही है, हम जीरो टॉलरेंस की सरकार चला रहे हैं। आपने देखा होगा जब जब भ्रष्टाचार की शिकायतें हुई हैं या भ्रष्टाचारी या गड़बड़ी की शिकायतें हुई है, हमारी सरकार ने उस पर कार्यवाही की है। लोकायुक्त नियुक्ति मामले पर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने भाजपा को घेरा है। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने तो इस मामले पर सरकार की मंशा पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आप भी सुनिए। कितना बड़ा मजाक है ये कि सूबे का मुखिया कहे कि हम तो लोकायुक्त चाहते हैं लेकिन लाने नहीं दे रहे। कौन नहीं लाने दे रहा है? विपक्ष मना कर रहा है, मीडिया मना कर रहा है या जनता मना कर रही है? सुप्रीम पोस्ट पर आप बैठे हैं और आप कह रहे हैं कि आपकी मंशा है लोकायुक्त लाने की। आपने जितना फोकस धर्मांतरण, लव जिहाद, लैंड जिहाद और यूसीसी पर लगा रखा है, मुख्यमंत्री जी से मेरा कहना है यदि इतना ही फोकस लोकायुक्त लाने में आप लगाते तो कब का आ गया होता। लोकायुक्त नियुक्ति मामले पर जहां भाजपा और कांग्रेस एक दूसरे के आमने सामने है, तो वहीं वरिष्ठ पत्रकार जय सिंह रावत का इस मामले पर कुछ और ही कहना है। जय सिंह रावत कहते हैं दोनों ही सरकारों ने बड़ी ही चालाकी से इस मामले को विधानसभा की फाइलों में लटका दिया है। दरअसल सरकारें चाहती नहीं है कि लोकायुक्त बने। अगर लोकायुक्त का गठन होता है तो उसमें कई नेता, बड़े बड़े नेता भी फंस सकते हैं। अभी तक तो यह है कि छोटे मोटे कर्मचारी होते हैं, उनको बिजनेस वाले पकड़ लेते हैं, पटवारी, क्लर्क, जेई, मैक्सिमम कोई IAS या कोई मंत्री तो पकड़ा नहीं जाता कभी। इसीलिए लोकायुक्त का गठन नहीं होता है। पिछली बार भी कोर्ट ने कहा था कि आप 3 महीने के अंदर उत्तराखंड में लोकायुक्त का गठन कर लो, लेकिन क्या हुआ, अल्टीमेटली कहा कि वो विधानसभा की प्रवर समिति पर, क्योंकि सरकार को अदालत आदेश दे सकती है लेकिन उसको विधानसभा को नहीं दे सकती है। इसीलिए बहुत चालाकी के साथ वो विधानसभा की फाइलों में बंद कर दिया गया। उसमें तो जो कमेटी बनी थी, प्रवर समिति बनी थी प्रकाश पंजी की अध्यक्षता में, वो तो अपनी रिपोर्ट दे चुकी है, सालों हो गए हैं उसके बाद। उत्तराखंड में लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर अक्सर सवाल खड़े होते रहे हैं। साल 2017 में हुए विधानसभा चुनाव से पहले भाजपा ने अपने दृष्टि पत्र में 100 दिन के भीतर लोकायुक्त के गठन की बात कही थी, लेकिन करीब 6 साल का वक्त बीत जाने के बाद भी अभी तक लोकायुक्त का गठन नहीं हो पाया है। अब लोकायुक्त की नियुक्ति को लेकर धामी सरकार पर दबाव बढ़ने लगा है। हाईकोर्ट इस मामले में निर्देश दे चुका है, विपक्ष भी इस मामले पर आक्रामक है। ऐसे में देखना होगा अब इस मामले में आगे क्या होता है। देहरादून से रोहित सोनी की रिपोर्ट।